रामगढ़ में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, छात्र छात्राओं का किया गया सम्मान। जांजगीर चांपा में नौकरी के नाम पर युवक के साथ धोखाधड़ी, पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। रघुनाथपुर में सड़क पर गलत तरीके से खड़े किए जा रहे वाहन, आवागमन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। सख्ती के डीबी पावर प्लांट से तालाब में हो रही डंपिंग, लोगों को करना पड़ेगा समस्याओं का सामना। शहर में लगाया गया डामर प्लांट, शहर में फैल रहा वायु प्रदूषण, पर्यावरण विभाग ने जांच के दिया आदेश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी खारौद के मिडिल स्कूल तिवारी पारा में वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्रदेव राय थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छग खाद आयोग की सदस्य ज्योति किशन कश्यप ने की। इस मौके पर संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने कहा कि प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सराहनीय है। सरगुजा जिले में अवैध तरीके से स्कूल वैन चलाने वाले वाहन मालिकों पर आरटीओ विभाग द्वारा चलानी कार्रवाई सहित जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जिले में संचालित प्राइवेट स्कूलों में एक स्कूली वैन की जांच की गई, जिसमें पॉल्यूशन, एयर कंट्रोल, आरसी लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच में इनके पास किसी भी तरह की कोई दस्तावेज नहीं पाया गया, जिस पर आरटीओ विभाग द्वारा आधा दर्जन से अधिक स्कूल वैन पर अनफिटनेस के तहत चलानी कार्रवाई की गई और कहा गया कि दोबारा इस तरह की गलती पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये परमिट का मांग कर रहे हैं और हम लोग को ना कोई सूचना दिया गया था, अरे कम से कम नहीं तो 10-15 दिन या पेपर में कुछ ऐड किए रहते। अभी तक बताइए, हम लोग कोरोना के मार से छूटे नहीं है ना, और अचानक हम लोग को बोल रहे हैं कि पेपर चेक करिए। अब मांग रहे हैं हम लोग 10-15 दिन का टाइम, अरे कम से कम एक महीने का टाइम दे ना, हम लोग भी तो कोई बहुत बड़े आदमी है नहीं, कहीं से कर्जा उर्जा लेके करेंगे भाई, कागज को के करेंगे, लेकिन हम लोग को एक आध महीने का टाइम दे प्रशासन, है ना। ठीक है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये हम लोग को कुछ टाइम भी दे। अभी हम लोग कोरोना के मार से छूटे नहीं हैं। हम लोग को शिकायत मिली थी कि बिना गाड़ी के परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन और अन्य जो नियम है उसके विरुद्ध संचालन हो रही वाहनों का, इस संबंध में जाँच के लिए आए हुए हैं और वो जाँच में चीज़ सही मिली है कि बिना नियम के पालन किए वाहनों का संचालन किया जा रहा है, तो उस पर अभी कार्रवाई किए हैं और अभी इनसे चर्चा ही चल रहा है इसी संबंध में, और हम चाह रहे हैं कि नियम से चलें और उसी के लिए इनको एग्री कर रहे हैं कि आप जो है गाड़ी ठीक करा के चलिए या फिर आप फाइन करवाइए। मेरी समझ से कार्रवाई जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आमतौर पर पेरेंट्स इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि किसी के पास भी पेपर्स वैलिड हैं नहीं और अनाप शनाप तरीके से लोग ऑटो वाले बच्चों को भर के ले जाते हैं, कोई नियम कायदा नहीं है, कोई भी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता है, और ये कार्रवाई बहुत अच्छी है। सरगुजा के लुंड्रा ब्लॉक में बन रहे सड़कों के जाल को बिछाने के लिए सड़क बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करते हुए बीच शहर में डामर प्लांट लगा दिया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय ग्रामीणों सहित लोगों को वायु प्रदूषण का खतरा सताने लगा है। तो वहीं इस मामले को लेकर सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि डामर प्लांट से होने वाले एयर पॉल्यूशन होने की जानकारी पर्यावरण विभाग को दी गई है और मौके पर भेजकर जांच कर कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। फैक्ट्री लगी से वो ही परेशानी है। कितना धुआं निकलता है? बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो आप लोग रिहायशी इलाके में रहते हैं तो कितना परेशानी जा रहा है आप लोगों को? तो अभी तो शुरू हुआ है ना, बढ़ते बढ़ते तो और ज्यादा ना बढ़ेगा, तो सांस लेने में तो दिक्कत होगा। तो
इसको किनारे लगना था कि नहीं लगना था? लगना था। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम तो वही चाहते कि किनारे लग जाए तो अच्छा रहे। बस थोड़ी प्रदूषण फैल रही है, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है। कब से शुरू हो जाता है ये? सुबह से? सुबह ये मतलब भोर में ही चालू हो जाता है, रात में चालू हो जाता है सुबह। कैसा महसूस, कैसा होता है, आँख में जलन कैसा होता है, क्या महसूस होता है आप लोगों को? थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होता है ज़्यादातर। वही क्या लगता है, इसको यहाँ रहना उचित है? उचित तो नहीं है यहाँ रहना। बस्ती से कितना दूर होना चाहिए? बस्ती से थोड़ा दूरी होना चाहिए, तो बहुत ही पास है, मेन रोड में बगल में बना दिए हैं। तो वो मेरी जानकारी में आया था और कल भी मेरी जानकारी में आया था, तो मैंने SDM को और वहाँ के जो पर्यावरण अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि इस तरह से अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो वो प्लांट को उस तरीके से चलाया जाए, क्योंकि रोड बन रहा है, रोड बनना भी ज़रूरी है, वैसे चलाया जाए जिससे किसी को परेशानी ना हो और जो एयर पोल्यूशन वाली जो बात आ रही है वो ना हो। तो सर क्या लगता है, एयर पोल्यूशन सही है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं कभी सही नहीं बोलता हूँ। एयर पोल्यूशन जो उसमें जो डस्ट निकल रहा है या जो धुआं निकल रहा है वो छना हुआ होना चाहिए, है ना, और लोगों का उसका जो चिमनी का जो हाइट है वो ऊपर होना चाहिए। तो बहुत सारे जो एनवायरमेंटल के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए। सरगुजा से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा यहां गांव में घुनघुट्टा बांध का निर्माण किया गया, तो 250 से अधिक ग्रामीण परिवार विस्थापन होने के बाद बांध के दोनों तरफ विस्थापित हो गए, जिसके बाद इनकी दिनचर्या चलती रही। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को शिक्षा सहित लोगों को रोजगार की समस्या होने लगी और जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही ग्रामीणों की समस्या बढ़ने लगी और अब इस गाँव के बच्चे स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर बांध के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाते हैं, लेकिन कभी भी बांध पार करते वक्त दुर्घटनाएं भी होती हैं और इस दुर्घटना में जान तक चली जाती है। इलेवन में पढ़ता हूँ और नदी नाके में बहुत दिक्कत हुई, ट्यूमन में अथन जथन, कभी कभी हवा तूफान आती ही पर रही जथन, पुल बन जही तो आए जाए में अच्छा हो ही, छोटे छोटे लड़का मन भी यहीं जही पार पढ़े ले। अभी कहाँ स्थिति है छोटे छोटे बच्चों में? आधा जन छोड़ दिन स्कूल आना, आधा जन आते हैं। खेती हम लोग का नदी उस पार भी है और यहाँ बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग पढ़ने जाने में बहुत परेशानी, ट्यूब में नाव में नाव का भी डूब जाता है, कहाँ हो जाता है, अगर पुल हो जाता शासन के द्वारा दे देते, कई बार चिंतामणि महाराज आए, जल ग्रहण भी वो चीज़ किए, उसमें भी नहीं कर पाए। अभी प्रीतम भी आया था, प्रीतम भी बोला कि हाँ हो जाएगा, चुनाव से पहले तो हर सरकार बोलते हैं कि हो जाएगा, TS भी बोले थे, आए थे ये राकेश गुप्ता लोग सब आए थे, सब लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कभी तो हुआ नहीं, नहीं होता नहीं। ग्राम लवैदी का कुछ हिस्सा नदी के इस पार है और कुछ हिस्सा उस पार है, जैसे लोगों की परेशानी जैसे किसान भाई बंधु का, कुछ छात्र छात्राएँ का जो काम करने जाते हैं, मजदूर भाई बहन जो अंबिकापुर के लिए जाते हैं, जो नाव का सुविधा नहीं होने के कारण कई दिक्कत सामना करना पड़ता है। हाँ, हर साल जैसे नाव का सुविधा के कारण जैसे ट्यूब से जाते हैं तो उसमें हवा हुआ खुल जाता है, हवा तूफान जैसे आता है उस टाइम, जैसे लहर चलता है उस टाइम काफ़ी परेशानी होती है, उसके कारण मौत हो जाता है कई छात्र छात्राएँ, जैसे कुछ औरतों का भी यहाँ इस नदी में मौत हुई है। लवैडी में एक घुंघुट्टा परियोजना का बांध से जो है वहाँ पर पानी रुका पड़ा रहता है और इससे गांव वालों को लवैडी और पोड़ीपा के बीच में आने जाने में बहुत दिक्कतें रहती हैं और इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेंट मुलाकात के दौरान उनको भी इस समस्या से अवगत कराया था और इसके लिए जो है ब्रिज कॉरपोरेशन को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द उसका एस्टीमेट बना करके उनके शासन के समक्ष रखें। शक्ति के DB पावर प्लांट से निकलने वाली डंपिंग रखड़ रोकने की नाम ही नहीं ले रही है। शक्ति जिला के ग्राम भातमाहुल बिना अनुमति के तालाब में प्लांट से निकलने वाली डंपिंग रखड़ को नया तालाब में डंपिंग कर रही है। इस तालाब में गांव के सारे लोग गर्मी के दिनों में इस तालाब के पानी से हर तरह का कार्य करते हैं। इस रखड़ डंपिंग से पूरे गाँव में लोगों को कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इसकी शिकायत कलेक्टर SDM तहसीलदार से की गई है, जिस पर
कार्रवाई होना अभी बाकी है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खैरताल के एक युवक ने कलेक्ट्रेट में चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसकी पीड़ित ने नवागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, मगर अब तक आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नवागढ़ थाने की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो वही थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहा है और पीड़ित युवकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी से शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का बोलता है और मेरे से 2.5 लाख रुपए तेरे को चपरासी की नौकरी लगाऊंगा कह के लिया था कलेक्टर ऑफिस से, मेरा जान पहचान है, मेरा दोस्त है कह के, और जब मैं मांगने गया तो मुझे 1-2 महीना लगेगा, मुझे और टाइम दो बोलकर गुमराह कर रहा था, जिसकी शिकायत मैं नवागढ़ थाने में दिया था, उसका FIR कल हुआ था वही 13 बजे लगभग, और उसको उठाकर घर से 4 पुलिस वाले लाए थे, फिर शाम 5 बजे उसे छोड़ दिया, फिर जाने के छोड़ने के बाद मेरे घर के सामने गाली गलौज कर रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था मुझे कि मेरे खिलाफ़ तुमने FIR करवाया है उसे राजीनामा कर ले, प्रकरण समाप्त कर ले, नहीं तुझे जाम से मारकर फेंक दूंगा कहके। रघुनाथपुर की साप्ताहिक बाजार में आने वाले व्यवसायियों और ग्राहकों के द्वारा अपनी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन सड़क पर खड़ी कर देने से आवागमन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में कई बार मुख्य व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था कर निर्धारित स्थल पर वहां खड़ी करने का आग्रह किया गया, मगर लोगों पर इसका असर नहीं पड़ता, जिसके कारण साप्ताहिक बाजार के सामने स्थित सड़क पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लोगों की मनमानी से त्रस्त आकार आने वाले दिनों में पुलिस की तैनाती का मन बना चुकी है, ताकि साप्ताहिक बाजार की व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। मैं ग्राम में जो भी ग्रामवासी बाजार के लिए अपना सामान क्रय के लिए आए हैं, उसे वाहन को अपने साइड में लगाने के लिए कई बार निवेदन किया गया, लेकिन मनमानी तौर पर रोड पर ही खड़ा करते हैं। अब पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनके वाहन को एक कतार पर लगाने की कष्ट कर क्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।